हाय एंड हेलो एवरीवन। तो बच्चा पार्टी में आपको ये बता दूं कि वेटरनरी की हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, उसकी डेट्स आ चुकी हैं, तो आज अपन वही डिस्कस करने वाले हैं। इसमें मैं आपको पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि इसका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो हमारा ऑनलाइन होगा, लेकिन इसकी जो काउंसलिंग होगी वो ऑफलाइन होगी। मतलब उसकी डेट्स मैं आपको दे दे रहा हूँ, यहाँ पे बता दे रहा हूँ, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या कंडीशंस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, हर चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा आपके साथ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि 64 सीट्स के लिए यहाँ पे हमारी काउंसलिंग होने वाली है ना, जिसमें से जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो हमारी 26 सीट्स हैं, और अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो 20 सीट्स हैं, अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो 8 हैं। इसमें भी फिर वो सैनिक कोटा और ये सब है, वो बाद में बात करेंगे। अगर हम ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात करें तो उसकी 9 सीट्स हैं, और अगर हम जम्मू एंड कश्मीर के माइग्रेंट की बात करें तो उसके लिए 1 सीट है। ऐसे करके 64 टोटल सीट्स हैं हमारी, जिनके लिए हमारी काउंसलिंग की जो डेट्स हैं वो आ चुकी हैं। इसके जो रजिस्ट्रेशन होंगे वो ऑनलाइन होंगे, लेकिन जो इसकी काउंसलिंग होगी वो ऑफलाइन होगी। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि ऑनलाइन पंजीयन हेतु आवेदन की प्रारंभ तिथि क्या है, मतलब कब से हमारे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। उसकी डेट है 18 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब कल से स्टार्ट हो चुके हैं, और ये कब तक चलेंगे। इसकी जो अंतिम तिथि है वो हमारी 30 तारीख रात के 12 बजे तक, ठीक है। कौन सी वेबसाइट पे होगा वो मैं सब आपको बताने वाला हूँ। आवेदन शुल्क मैं आपको बता देता हूँ कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो शुल्क है वो क्या रहेगी आपकी, ₹500 रहेगी ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए, और ₹300 रहेगी एससी और एसटी के लिए, ठीक है। फिर अगर हम आगे बात करें तो इसमें आपको जो आपको पंजीयन शुल्क यहाँ पे देना है वो NEFT के थ्रू देना है। वहाँ से आपको एक UTR नंबर मिलेगा जो कि आप अपने अभी एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करेंगे। मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें जो आपकी सूची का जो ऑनलाइन प्रकाशन होगा, मतलब जो आपने फिल किया उसका जो ऑनलाइन प्रकाशन होगा वो 2 दिसंबर को होगा, और इसमें अगर आपने कोई गलती करती है तो उसको आप सही भी कर सकते हैं। लिंक फिर से खुलेगी, जिसकी डेट होगी 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक रात के 12 बजे तक, और आपकी जो ऑनलाइन रैंक कार्ड प्राप्त करने की जो प्रारंभ तिथि होगी वो 7 होगी, और पंजीयन के आधार पर प्रवेश ऑफलाइन, देखो प्रवेश ऑफलाइन होंगे यहाँ पे, उसकी तिथि है 10 तारीख, जो कि आपको इनके कॉलेज में जाना होगा वहाँ पे होगा। फिर इसके बाद आपको 14 तारीख को जो सीट्स बच जाएंगी उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी 14 और 16 के बीच में, ठीक है। मतलब उनकी सीट्स का प्रवेश होगा 14 से 16 के बीच में। अब अपन बात करते हैं कि इसमें करना क्या क्या है। तो देखो यार, इसकी फीस क्या है वो मैं सब आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप इसकी अगर बात करें तो अगर आप हॉस्टल के साथ रहना चाहते हैं तो उसकी जो फीस है ना, वो है आपकी प्रवेश शुल्क जो है वो है 33,169, और अगर आप सिर्फ एजुकेशन फीस देना चाहते हैं, मतलब आप हॉस्टल में नहीं रहना चाहते, तो उसकी फीस जो है वो 23,481 है, ठीक है। अच्छा, ये सब हो गया, फिर इसके बाद हम बात करें। अच्छा ठीक है ना, अब कैसे हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, तो ठीक है मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन आपके साथ शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे करना है। तो देखिए, मैंने ये अपनी लैपटॉप की स्क्रीन आपके साथ शेयर की, ठीक है। अब आपको जाना है कहाँ, आपको अपना गूगल क्रोम खोलना है, जो भी आपके में वेब ब्राउज़र उसको आपको खोलना है, ठीक है। 2 मिनट का टाइम दीजिए मुझे बस। ये खुल गया, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कौन सी वेबसाइट खोली हुई है, cgkv.ac.in, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शन देख रहा है एडमिशन, द लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन बीबीएससी एंड एएच, इसका मतलब होता है बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। आप जानते हो, आप इस कोर्स को करना चाहते तो आपको पता ही होगा इसके बारे में। आप इसको ओपन करेंगे, ये मैंने यहाँ पे ओपन किया है ना। अब देखिए, आप यहाँ पे एडमिशन इन यूजी डिप्लोमा प्रोग्राम ऑनलाइन एप्लीकेशन 2020-2021 इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये मैंने किया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपने क्लिक किया, अब आपको ऐसा यहाँ पे टैब दिखेगा। यहाँ पे एडमिशन रूल्स हैं, इनको आप ज़रूर पढ़ लीजिए, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें अभी बता दूंगा, लेकिन आप फिर भी एक बार पढ़ लीजिए। ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलेंगे। सबसे पहले आपको साइन अप करना है, क्या करना है बच्चा पार्टी, साइन अप करना है। तो आप इस साइन अप को क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप जब साइन अप कर लेंगे, कैसे करेंगे वो मैं आपको सब दिखाऊंगा, तो फिर आप लॉगिन कर पाएंगे। और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी होगी, क्या क्या डिटेल फिल करनी होगी वो सब अपन बातें करने वाले हैं इस वीडियो में, तो देखते रहिए। अब सबसे पहले आप साइन अप करेंगे, कभी कभी ऐसा होगा कि साइन अप खुलेगा नहीं आपके में, तो आप यहाँ से पॉपअप जो मेन्यू होता है वो यहाँ पे ब्लॉक रहता है, तो उसको आप जब वो करेंगे जब ये खुलेगा, है ना। तो अभी यहाँ पे देखो कुछ बना हुआ नहीं आ रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ एक लॉक टाइप का निशान बना हुआ आएगा, उसको आपको अलाउ करना पड़ेगा जब ये खुलेगा। अगर नहीं खुल रहा है तो, जैसे मेरे में तो खुल गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब ऐसा फॉर्म आपको दिखेगा यहाँ पे, तो यार ये तो आप चेंज नहीं कर सकते, प्रोग्राम टाइप यूज ही रहेगा आपको, इसको आपको चेंज नहीं कर सकते। और आप अप्लाइड किसके लिए कर रहे हैं,
तो आप ये कर रहे हैं वेटरनरी साइंस के लिए, ठीक है, इतनी बात हो गई। उसके बाद आपका सैल्यूटेशन क्या रहेगा, आप मिस्टर हैं, आप इसको क्लिक करेंगे, अगर आप लड़का हैं तो मिस्टर कर दीजिए, अगर आप मिस हैं तो ठीक है, आपकी शादी हो चुकी है तो आप श्रीमती कर दीजिए, ठीक है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते, इतना तो आपको पता ही होगा। फिर आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम फिल करना है, मिडिल नेम फिल करना है, लास्ट नेम फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर आप जो भी हैं वो फिल कर दीजिए। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू हैव अ सीजी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो आपको यहाँ पे यस करना है। कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे देखिए कौन कौन सा ऑप्शन आ रहा है, जनरल का आ रहा है, ओबीसी का आ रहा है, एससी का आ रहा है, एसटी का आ रहा है, जो भी आपकी कैटेगरी आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। आर यू वार्ड ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट, तो यहाँ पे नो कर दीजिए, अगर आप कश्मीर से यहाँ नहीं आए हो तो यहाँ पे नो कर दीजिए। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल कीजिए और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिल कीजिए। जैसे आप करेंगे, आप यहाँ पे सेव करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा, उसको आप लिख लेंगे एक कागज में, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, फिर आप यहाँ जाएंगे, वापस आएंगे। जैसे मैंने अभी एक किया हुआ था तो मैं उसके बारे में दिखा देता हूँ, मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसको अपन लॉग इन करके देखते हैं क्या क्या करना है फिर अपन को, है ना। तो अपन आते हैं फिर लॉगिन पे, फिर आप लोग को लॉगिन पे जाना है, ठीक है। इस पर आपने क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे दिख जाएगा, तो आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ फिल कीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है, ठीक है। ये नंबर अपने मन से ले लिया, आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, 21 + 14 कितना होता है भैया, 35 होता है, आप फिल कीजिए, लॉगिन कीजिए, देखिए लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही ये लॉगिन होगा तो क्या होने वाला है अपन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, मैंने डेट ऑफ बर्थ फिल नहीं किया है यहाँ पे, ओके अपन कर देते हैं 20/21/06, आपको अपना करना है ना, यही नहीं करना है जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो जैसे मैंने किया तो देखो ये लॉगिन हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है, तो ये पहले बता रहे हैं कि भैया आपको फीस कितनी लगेगी और आपको क्या क्या करना है। पहले आपको बेसिक डिटेल्स भरनी है यहाँ पे, जैसे कि आपका एड्रेस क्या है, ये सब चीज़ें। फिर आपको अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित यहाँ पे डिटेल्स को फिल करना है, फिर डॉक्यूमेंट डिटेल फिल करनी है, फिर प्रीव्यू एंड डिक्लेरेशन होगा, उसके बाद पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस। यहाँ पे याद रखिए पेमेंट जो आपका हो वो NEFT के थ्रू होगा, ये साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, फिल योर NEFT पेमेंट डिटेल। जब आप इसको NEFT कर देंगे बैंक में हो जाएगा, या आप ऑनलाइन उससे भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग है तो आप उससे भी कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एक नंबर जो मिलेगा वो आप यहाँ पे फिल करेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी बताया गया कि आपकी जो फोटो और सिग्नेचर होंगी उनकी साइज़ क्या होनी चाहिए, लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपकी फ़ोटो जो है वो 50 KB से कम होनी चाहिए, जो सिग्नेचर है वो 20 KB से कम होने चाहिए, और फोटो और सिग्नेचर किस में होने चाहिए, JPG या JPEG फाइल ओनली में होने चाहिए, ठीक है। इतना आप समझदार है, अभी आपने MBBS और BDS का फॉर्म भरा था तो वहाँ पे ये चीज़ आपको बताई गई थी, ठीक है। फिर आपको क्या रखना है अपने पास, देखो आपको जो डॉक्यूमेंट फिल करने उनकी साइज़ होनी चाहिए 400 से 500 KB इन साइज़, JPG या JPEG फाइल में होना चाहिए, और जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें वो साफ साफ पढ़ते आना चाहिए, मतलब क्लियर होने चाहिए, कहने का मतलब है। आप यहाँ पे सैंपल दे सकते हैं कि आपके पास जो CG डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो इसी फॉर्म में है कि नहीं, आप यहाँ पे डाउनलोड करके देख लीजिए, और आपके पास जो CG का डोमिसाइल है वो देख लीजिए, दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है तो आपको ये भी उनको देना होगा, अगर आप फ्रीडम फाइटर के थ्रू जाना चाहते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट भी देना होगा, ये सब आप जानते हैं यार, यहाँ लिखा हुआ है। अगर आप नॉन क्रीमियर लेयर में आते हैं तो फिर आपको 1 साल का इनकम सर्टिफिकेट भी यहाँ पे देना होगा, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट है तो आपको यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट देना होगा। यहाँ पे कृषक सर्टिफिकेट है, उसका परमानेंट कास्ट सर्टिफिकेट है, और सैनिक है, ठीक है। फिर आप जैसे ही इसको नेक्स्ट करेंगे तो फिर क्या आने वाला अपन देखते हैं। यहाँ पे फिल कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ हमको डिटेल्स बताई गई है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये पहले से दिखा देगा, ये दिखा देगा मैंने फिल किया हुआ है, बच्चे का नाम लिखा हुआ है, उसका मिडिल नेम लिखा हुआ है, ठीक है, और ये लास्ट नेम है। मिडिल नेम कुछ नहीं है तो कुछ फिल नहीं करना है, लास्ट नेम में जो भी है वो कर देना है, पिताजी का नाम है, मम्मी जी का नाम है, ये कुछ फिल नहीं करना है यहाँ पे। अब आपकी शादी हो चुकी है तो अपने पति देव का नाम यहाँ पे फिल करना है आपको, ठीक है। आपको यहाँ पे मेल फीमेल आप क्या है इतना तो आप जानते ही होंगे कि आप क्या हैं। कैटेगरी फिर वही, आप की राष्ट्रीयता क्या है, तो इंडियन हो आप, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है आप तो आप जानते ही हैं ना। फाइनेंस फैमिली फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, अगर आप यहाँ पे OBC करेंगे तो आपको यहाँ पे क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर कुछ एक फिल करना होता है, आप जानते हैं नॉन क्रीमिलियर क्या होता है, क्रीमिलियर क्या होता है, जो OBC बच्चे हैं वो जानते होंगे। फिर आपको नीट की डिटेल्स फिल करनी है, जैसे यहाँ पे रोल नंबर फिल करना है, आपके मार्क्स क्या थे, आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या थी, आपकी ऑल इंडिया कैटेगरी रैंक क्या थी। फिर यहाँ पे आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस देना है, ये वो होता है जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं, परमानेंट आपके घर का होता है। मेरा ये दोनों, जिस बच्चे का मैंने फिल किया दोनों एक ही था, इसलिए मैंने यहाँ पे सेम एज करस्पॉन्डेंट कर दिया, तो फिर ये सेम हमारा परमानेंट एड्रेस भी ले लिया है, ठीक है, वही हो गया है ना। चलो उसके बाद क्या करना है, आपका कौन सा फोन यूज करते हैं, आप रेगुलर फोन यूज कर रहे हैं या स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, आपको आप सब लोग यार स्मार्टफोन यूज करते हैं तो इस पर क्लिक करके आपको फिर सेव एंड नेक्स्ट करना है, फिर देखते हैं क्या आता है। फिर आपकी यहाँ पे 10वीं 12वीं की डिटेल्स आने वाली है, नहीं डॉक्यूमेंट डिटेल्स आई है यहाँ पे, ठीक है, देखते हैं क्या है। ओके
अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे अपनी फोटो, इसका मैंने आपको साइज और वो सब बता दिया है, यहाँ पे सिग्नेचर, इसका भी साइज और मैंने बता दिया है कि डायमेंशन क्या होने चाहिए, सब चीज़ अपन ने देख ली और यहाँ भी लिखी हुई है, आप यहाँ भी देख सकते हैं। फिर आपको दसवीं में कौन से बोर्ड से आपने पास आउट किया है, सीजी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, ये सब यार आप फिल कर सकते हैं, यार और पासिंग क्या है, टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने थे, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, परसेंटेज खुद से कैलकुलेट कर लेगा। अब फिर आपको रोल नंबर डालना है, यहाँ पे दसवीं क्लास का रोल नंबर डालना है, याद रखिए नीट का रोल नंबर नहीं डालना है, ठीक है, यहाँ पे इसको छोड़ देना ब्लैंक। बारहवीं, बारहवीं की बात करें तो वही कौन से बोर्ड से किया है, क्या एयर ऑफ पासिंग है, टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, ये भी अपने मन से कैलकुलेट कर लेगा, बायोलॉजी ही रहेगा यहाँ पे सब्जेक्ट एंड ग्रुप। और यहाँ पे अपना रोल नंबर ट्वेल्थ क्लास का डालना है, फिर से सुन लो, यहाँ पे ट्वेल्थ क्लास का डालना है। यहाँ पे जो आपको मार्क्स डालने हैं बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स इंग्लिश वो कौन कौन से डालने हैं, तो आपको पता है ट्वेल्थ क्लास के मार्क्स को यहाँ पे डालना है। इतना फिल जब आप करेंगे फिर आप नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी मैं यहाँ नहीं जा पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे मैंने फोटो और सिग्नेचर को अपलोड नहीं किया, इसलिए मुझसे बोल रहा है कि पहले भैया आप फोटो अपलोड करो और क्या अपलोड करो, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करो, उसके बाद अपन यहाँ तक पहुँच गए थे, ठीक है। उसका डॉक्यूमेंट डिटेल्स रहेगी वही डोमिसाइल कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप हैं, और अगर आपने पीएच या आप सैनिक कोटा है फ्रीडम फाइटर से तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी देना होगा, वही सब बातें जो कि अभी आपने नीट में भी की हुई थी। फिर प्रीव्यू कर लीजिए एंड डिक्लेरेशन में आपको यस करना है, प्रीव्यू देख लीजिए कि आपने जो डिटेल्स फिल किए हैं वो सही है कि नहीं है। फिर आपको पेमेंट करना है, पेमेंट करने से पहले यहाँ पे पेमेंट में जाने से पहले आप एनईएफटी कर दें, उसकी डिटेल्स आपको दी गई हैं, अगर आप यहाँ जाएंगे ना इसी वेबसाइट पर तो यहाँ पे इसको आप डाउनलोड करेंगे तो आपको हर चीज की डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ नहीं, यहाँ भी आप देख सकते हैं, आप यहाँ देख लीजिए इसके थर्ड नंबर पे जो है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो ये सब कुछ लिखा होगा, ये वेबसाइट के बारे में लिखा हुआ है, इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप ये सब पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, क्या डायमेंशन में होना चाहिए फोटो, फाइल साइज क्या होनी चाहिए, किस टाइप की होनी चाहिए फाइलें, हर चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है यहाँ पे, ये MBBS और BDS जैसा टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। देखो ये फीस के बारे में लिखा हुआ है, हाँ देखो आप NEFT के माध्यम से जमा करेंगे एवं NEFT जब आप करें तो वहाँ पे कुछ UTR नंबर होता होगा वो प्राप्त होगा आपको, और इसकी जानकारी आपको जो पेमेंट वाला ऑप्शन था वहाँ पे जाके देना है, समझ में आई बात को, और उस रसीद की कॉपी को भी अपलोड करना है, इस चीज़ को ध्यान रखें, फाइनल सबमिट करेंगे प्रिंट आउट ले लेंगे बस हो जाएगा, उसके बाद वो उनकी मेरिट लिस्ट आएगी, वो आपको बुलाएंगे, आपको उनके कॉलेज जाना है 12 तारीख को, और फिर वहाँ पे अलॉटमेंट होगा, वो ऑफलाइन होगा, वो ऑनलाइन नहीं होगा, सब कुछ इसमें लिखा होगा। अगर आपने कोई गलती कर दी है तो आपकी वेबसाइट यहाँ पे खुलेगी, उसका डेट भी यहाँ पे दिया गया है 2 से 4 के बीच में, दिसंबर के बीच में, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, आपको पूरी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। इसकी मैंने फिर से बता दिया, इसका जो अलॉटमेंट होगा या जो प्रवेश होगा यहाँ पे, एडमिशन जो होगा वो ऑफलाइन मोड से होगा, लेकिन इसका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो ऑनलाइन मोड से होगा, ये नहीं होगा कि आप डायरेक्ट कॉलेज में जाके एडमिशन नहीं ले सकेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है वो फेस अब आपको क्लियर होगा। चलो अब मैं आपको अपने थोड़े चेहरे के दर्शन करा देता हूँ और कुछ बातें आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, तो आप मेरे चेहरे के दर्शन कर पाएंगे, 2 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। हाँ अब आप मेरे चेहरे को देख पा रहे होंगे, तो अभी आप ये भी याद रखिए BMS का भी ऑप्शन है आपके पास, वेटरनरी का भी ऑप्शन है, आप दोनों में जा सकते हैं आपको जो अच्छा लगता है, लेकिन अगर स्कोप की बात करें तो दोनों के अपने अपने स्कोप हैं, है ना, लेकिन अभी BMS का थोड़ा ज़्यादा चल रहा है तो आप वहाँ भी ले सकते हैं, आपके ऊपर आप कहाँ जाते, देखिए अगर आप वेटरनरी लेते हैं तो गाँव की सेवाएँ करनी पड़ेंगी, गाँव में जाके करना पड़ेगा, BMS लेते हैं तो आप शहर में भी ले सकते हैं, और बहुत सारे स्कोप दोनों में सेम टू सेम है, आपके ऊपर आपको क्या चूज़ करना है और क्या नहीं करना है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मैंने बहुत रात में ये बनाया हुआ, मैं थोड़ा नींद में भी दिख रहा हूँ, है ना, तो अब चलो चलते हैं फिर, बाय बाय।